आज हम लोग पेल्विक फ्लोर एंड पेरिनियम मसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पेल्विक फ्लोर पर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं और पेरिनियम में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, वो किस तरह से अपना फंक्शन करती हैं और कहाँ कहाँ पर वो सीट होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कौन सी मसल पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनके बारे में देखते हैं कि वो कहाँ पर रहती हैं और उनका क्या फंक्शंस है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा, फर्स्ट आपको दिख रहा है ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया में आपको दो मसल्स रहती हैं। ये वाले एरिया में क्या रहती हैं, टू मसल्स शो हो रही हैं। कौन कौन से आपका ये टू मसल्स शो होती हैं, उसको हम बोलते हैं लिवेटर एनी। ये पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, लिवेटर एनी पोर्शन बोलते हैं। और उसको क्या किया है, टू पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें यहाँ पर क्या होती हैं, टू टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। कितने टाइप्स की रहती हैं, टू टाइप्स की। फर्स्ट रहती है आपका प्यूबोकॉक्सीजियस मसल्स, नेक्स्ट होता है आपका इलियोकॉक्सीजियस मसल्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या, प्यूबोकॉक्सीजियस मसल्स। तो प्यूबोकॉक्सीजियस मसल्स क्या करती है, उसका क्या फंक्शन है, वो कहाँ पर सिचुएट रहती है। तो प्यूबोकॉक्सीजियस मसल्स देखते हैं तो वो कहाँ पर रहती है, आपका पेल्विस एंड से, पेल्विक एंड एंड ईस्टियम स्पाइन से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है, आपका प्यूबिस एंड ईस्टियल स्पाइन से स्टार्टिंग होती है। और इसकी एंडिंग कहाँ होती है, कॉकेक्स तक, कहाँ पर होती है, कॉकसेक्स पर होती है। देन कहाँ पर एंड कहाँ पर होती है, आपका एनल कैनाल के पास क्या होती है, इसकी एंडिंग होती है। और इसका ये फंक्शन क्या करती है, इसका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट क्या करती है, ये सपोर्ट एंड मेंटेन पोर्शन ऑफ पेल्विक बिस्तरा। तो जो भी पेल्विक बिस्तरा है, जो भी पेल्विक कैविटी में जो भी ऑर्गन, उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। देन उसको क्या करती है, सपोर्ट करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ क्या करती है कि ये कफिंग और वॉमिटिंग में ये क्या करती है, हेल्प। या कफिंग और वॉमिटिंग में क्या करती है, ये हेल्प करती है। कहीं ना कहीं कफिंग और वॉमिटिंग के टाइम पे इस मूवमेंट मसल्स में क्या होता है, कोई ना कोई मूवमेंट होता है या मेंटेन करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ क्या करती है ये कि ये आपका क्या करती है, जो भी आपका यूरिन पास आउट करने में या स्टूल को पास आउट करने या वेजाइनल सीक्रेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो हम इसमें फर्स्ट हमने तो ये कौन सा देखा था, हमने हमने फर्स्ट देखा था आपका प्यूबोकॉक्सीजियस मसल्स। सेकंड देखते हैं हम इलियोकॉक्सीजियस मसल्स। तो इलियो तो यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला है, इनर वाला है, तो ये था आपका प्यूबोकॉक्सीजियल। तो नेक्स्ट इसके बाहर की तरफ जो देख रहा होगा वो क्या होता है, आपका इलियोकॉक्सीजियस मसल। तो ये भी कहाँ पर रहती है, ये स्टार्टिंग कहाँ होती है, ईस्टियल स्पाइन से स्टार्ट होता है। इस मसल्स का स्टार्टिंग कहाँ होता है, ईस्टियल स्पाइन से स्टार्टिंग होती है। और कहाँ तक रहती है, कॉक्सिक्स तक, कहाँ तक रहती है, ये कॉक्सिक्स तक प्रेजेंट रहती है। कहाँ तक, इलियक स्पाइन से एंड देन कॉक्सिक्स तक ये क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। और इसका जो फंक्शन है, सेम दोनों के सेम ही फंक्शन रहते हैं, फंक्शन क्या रहते हैं, दोनों के सेम रहते हैं। ये भी क्या करती है, सपोर्ट एंड मेंटेन पोजीशन ऑफ द पेल्विक बिस्तरा। जो भी पेल्विक बिस्तरा है उनको क्या करती है, सपोर्ट और उनको एक प्रॉपर मेंटेन करके रखना, पोजीशन प्रोवाइड करना। देन ये क्या करती है, कफिंग और वॉमिटिंग में क्या करती है, प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ क्या करती है, यूरिनेशन एंड और स्टूल पास आउट, और साथ ही साथ आपको वेजाइनल डिस्चार्ज में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो इन दोनों मसल्स को जो नर्व सप्लाई रहती है, कौन सी नर्व्स किसको कंट्रोल करती है, तो सैक्रल स्पाइनल नर्व्स होती है। क्या होती है, सैक्रल स्पाइनल नर्व्स हैं जो इन दोनों किसको, मसल्स को, कौन सी नर्व्स सप्लाई करती है, सैक्रल स्पाइनल की सेकेंड थर्ड फोर्थ, कौन कौन सी रहती है, सैक्रल सेकेंड, सैक्रल थर्ड एंड सैक्रल फोर्थ। तो ये थ्री मसल्स रहती हैं, वो क्या करती हैं, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा आपका, नेक्स्ट आपका रहता है इस्टियोकॉक्सीजियस मसल्स। नेक्स्ट आपका रहता है क्या, इस्टियोकॉक्सीजियस मसल्स। तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पोर्शन, जो यहाँ पे क्या होता है, कौन सा होता है, इस्टियोकॉक्सीजियस मसल्स होता है। तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, तो इस्टियोकॉक्सीजियस मसल्स कहाँ पर सिचुएट रहता है, तो ये आपका इसके जस्ट बिलो रहता है, किसके नीचे रहता है, किसके आपका, हमने देखा लेबोरेटर एनी के नीचे रहता है, नीचे की तरफ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये उसके बाद में जो भी पोस्टीरियर रहता है, कहाँ पर रहता है, इसके पोस्टीरियर रहता है। और ये कहाँ पर सिचुएट रहती है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ईस्टियल स्पाइन से स्टार्ट होती है। और ये कहाँ पर एंडिंग होती है, इसका लोअर सैक्रम एंड अपर कॉक्सिक्स, कहाँ पर एंडिंग होती है, लोअर सैक्रम एंड अपर कॉक्सिक्स के पास क्या होती है, इसकी एंडिंग होती है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ईस्टियल स्पाइन से। देन इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या मसल्स का क्या फंक्शन है, तो इस मसल्स के फंक्शन क्या करती है, सपोर्ट एंड मेंटेन पोजीशन ऑफ पेल्विक बिस्तरा। तो फंक्शन भी यही सेम है, ये क्या करती है कि जो भी पेल्विक बिस्तरा में जो भी ऑर्गन है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करना, उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखने में हेल्प करना। साथ ही साथ क्या करती है, स्टूल को
पास आउट करने में, स्टूल को पास करने में, या यूरिनेशन या यूरेथ्रा से क्या यूरिन को पास आउट करने में, साथ ही साथ करती है वेजाइनल डिस्चार्ज में भी ये हेल्प करती है। और नेक्स्ट क्या करती है, ये चाइल्ड बर्थ में भी क्या करती है, ये मसल्स चाइल्ड बर्थ में भी क्या करती है, हेल्प करती है, या इजीली चाइल्ड बर्थ को इजीली होने में हेल्प करती है। तो ये रहती है। और इसको जो नर्व सप्लाई रहती है वो कौन सी रहती है, आपका सैक्रल फोर्थ एंड फिफ्थ, कौन सी रहती है, सैक्रल फोर्थ एंड फिफ्थ नर्व सप्लाई रहती है, जो इसको क्या करती है, कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पेरिनियम मसल्स के बारे में कि कौन कौन सी पेरिनियम मसल्स रहती हैं, वो क्या फंक्शन करती हैं। अभी हमने देखा था किसके बारे में, फ्लोरो पेल्विक मसल्स के बारे में, देन अब देखते हैं हम कौन सा पेरिनियम मसल्स के बारे में, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन सी मसल्स रहती है, तो यहाँ पर कह रहा था सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल, फर्स्ट क्या है आपका सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल, तो ये आपका जो मसल्स ये शो हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, सुपरफिशियली ट्रांसवर्स पेरिनियल, क्योंकि ना क्या किस सिचुएशन में रहती है, ट्रांसवर्स पोजीशन में रहती है, और ये कहाँ पर रहती है, सुपरफिशियली, इसको क्या बोला है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से स्टार्टिंग होती है, देन इसकी एंडिंग कहाँ पर होती है आपका पेरिनियल बॉडी के पास, कहाँ पर रहती है इसका पेरिनियल बॉडी, जो भी यहाँ पे इसकी यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे कहाँ पे होती है इसकी पेरिनियल बॉडी के पास की क्या होती है, एंडिंग होती है। देन इसका फंक्शन क्या है, इसको क्या फंक्शन करती है, स्टेबलाइजिंग पेरिनियल बॉडी, जो पेरिनियल बॉडी को क्या करती है, स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या करती है, इसको जो नर्व्स होती है, कौन सी नर्व्स है, सैक्रल नर्व्स हैं, कौन सी होती हैं, जो सैक्रल नर्व्स हैं वो क्या करती है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है सेकंड मसल्स, कौन सा है आपका, ये आपको दिख रहा है बुल्बो स्पॉन्जियस, कौन सा होता है इसका, बुल्बो स्पॉन्जियोसस, कौन सी रहती है आपका, बुल्बो स्पॉन्जियस मसल्स रहती है, वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं कहाँ पर रहती है आपका पेरिनियल बॉडी के पास प्रेजेंट रहती है, कि स्टार्टिंग होती है कहाँ से, पेरिनियल बॉडी से, देन और एंडिंग कहाँ पर, तो इसकी इसकी होती है रूट ऑफ पैप्यूबिक, जो भी प्यूबिक का रूट है उसके पास क्या होती है इसकी एंडिंग होती है, प्यूबिक आर्च के पास क्या होती है इसकी एंडिंग होती है, और ये दोनों में मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहती है, और ये क्या करती है, हेल्प इन एक्सपल यूरिन ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो यूरिनेशन के टाइम पे यूरिन को क्या करती है, बाहर निकलने में हेल्प करती है, साथ ही साथ वेजाइनल में से जो भी डिस्चार्ज हो रहा है इसको वेजाइनल डिस्चार्ज में भी क्या करती है, हेल्प कर सकती है, साथ ही साथ सीमन, जो भी सीमन क्या हो रहा है उसको भी डिस्चार्ज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसको जो नर्व्स रहती है, कौन सी नर्व्स सप्लाई रहती है, तो इसके लिए कौन सी सैक्रल नर्व्स है, कौन सी नर्व्स हैं, जो भी सैक्रल नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, इसको कंट्रोल करके रखने में हेल्प करती है, कौन सी नर्व्स करती है, सैक्रल नर्व्स हैं जो क्या करती है, इसको कंट्रोल करके रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट होता है आपका इस्चियो केवर्नोसस, कौन सा होता है आपका इस्चियो केवर्नोसस, ये वाला मसल जो रहता है इस्चियो केवर्नोसस मसल रहता है, ये भी ये मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहता है, और इसका क्या फंक्शन है, ये कहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसका इस्चियल ट्यूब्रोसिटी एंड इस्चियल रेमिस, जो भी स्टील क्या स्टील ट्यूब्रोसिटी से क्या होती है इसकी स्टार्टिंग रहती है, और इसकी एंडिंग कहाँ पर रहती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास, कहाँ पर रहती है इसकी एंडिंग, प्यूबिस सिम्फाइसिस के पास रहती है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या रहता है कि मेंटेन इरेक्शन ऑफ पेनिस, जो पेनिस को क्या करने में, इरेक्ट करने में इन मेल में, देन फीमेल में क्या होता है क्लोरिराइटिस, इन फीमेल्स में क्लाइटोरिस को क्या करने में, इरेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये दोनों क्या करती है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहती है, तो मेल में क्या करती है ये पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करती है, और देन फीमेल में क्या करती है क्लाइटोरिस को इरेक्ट करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ क्या करती है डिक्रीज यूरिन ड्रेनेज, और डिक्रीज करने में क्या यूरिन ड्रेनेज को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसकी जो नर्व सप्लाई रहती है, क्या रहती है इसके लिए नर्व सप्लाई, या कौन सी नर्व्स इसको कंट्रोल करती है, वो कौन सी रहती है आपकी सैक्रल नर्व्स रहती है, कौन सी रहती है सैक्रल नर्व्स रहती है, जो क्या करती है इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से नेक्स्ट मसल्स देखते हैं, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, नेक्स्ट क्या होती है आपकी डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, तो ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स रहती है, ये क्या करती है, ये ओनली कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ये मेल में प्रेजेंट रहती है, ओनली कहाँ पर रहती है ये मेल में प्रेजेंट रहती है, और इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि ये क्या करती है जो भी लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन
और सीमन को क्या करने में, पास आउट करने में या एक्सपल करने में हेल्प करती है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो भी क्या रहती है, ईस्चियम रैमस से स्टार्ट होती है और एंडिंग कहाँ पर होती है, पेरिनियल बॉडी के पास आकर इसकी क्या होती है, एंडिंग। और इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, क्या करती है, हेल्प्स एक्सपल लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन एंड सीमन। तो जो भी मेल में उसमें क्या करती है, सीमन एंड लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है। तो इसके लिए जो नर्व सप्लाई रहती है वो कौन सी रहती है, इसके लिए जो नर्व सप्लाई रहती है वो कौन सी रहती है, सैक्रल नर्व सप्लाई रहती है, जो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करके रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, ये रहा आपका यहाँ पे रहता है, ये क्या रहता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। ये स्पिंक्टर क्या करती है, कहीं ना कहीं यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है। या दो क्या रहते हैं, एक्सटर्नल ये क्या रहता है, अंडर कंट्रोल रहता है, जैसे कि हमें यूरिनेशन आता है तो स्पिंक्टर क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिंक्टर क्या करते हैं, यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करते हैं। तो ये वाली मसल्स कहाँ पर सिचुएटेड रहती है, तो ये रहती है आपके कहाँ पर, इस्टियल से स्टार्टिंग होती है और कहाँ पर रहती है आपकी, ये आपकी रहती है मीडियल रैप इन मेल एंड बेजाइनल वॉल इन फीमेल। कहाँ पर रहती है, मीडियल रैप इन मेल एंड बेजाइनल वॉल इन फीमेल, ये इन दोनों मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहती है। इसका फंक्शन क्या रहता है, ये क्या करती है, मेल एंड फीमेल के अंदर यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है या यूरिनेशन में हेल्प करती है। इसके लिए जो नर्व सप्लाई रहती है, क्या रहती है, इसके लिए जो नर्व सप्लाई रहती है वो कौन सी रहती है, इसके लिए जो सैक्रल नर्व्स है, क्या रहती है, सैक्रल नर्व्स रहती है वो सप्लाई रहती है, वो इसको क्या करती है, कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल एंड स्पिंक्टर। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें दिख रहा होगा एक्सटर्नल एंड स्पिंक्टर दिख रहा है, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर, क्या होता है आपको, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर। तो ये भी कहाँ पर रहता है, आपके एनल के पास है, तो कहीं ना कहीं आपके स्टूल को पास आउट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, क्या करता है, ये स्टूल को पास आउट करने में हेल्प करता है, या कहीं ना कहीं क्या करता है, कीप एंड क्लैम एंड एनस क्लोज, या एनस की क्या करती है, क्लोजिंग में हेल्प करता है, क्या करता है, एनस को क्लोजिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसके लिए जो भी नर्व सप्लाई है, कौन सी नर्व सप्लाई होती है, इसके लिए क्या रहती है, सैक्रल नर्व्स, क्या रहती है, सैक्रल नर्व सप्लाई रहती है, वो क्या करती है, इसको कंट्रोल करके रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट मसल्स के बाद में देखते हैं कौन सी होती है आपका, स्पिंक्टर यूरेथ्रो बेजनलिस, मतलब जो किसमें मसल्स प्रेजेंट रहती है, फीमेल्स में प्रेजेंट रहती है। ये मसल्स कहाँ रहती है, फीमेल्स में प्रेजेंट रहती है, और ये कहाँ पर रहती है, ईस्टियोप्यूबिस, जो भी ईस्टियोप्यूबिस पार्ट है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है, और ये क्या करती है, कहीं ना कहीं आपका जो भी है यूरिन को पास आउट करने में, यूरिन या बेजानल की क्लोजिंग में हेल्प करता है। और इसको जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी होती है, आपका कॉक्सियल नर्व्स की सप्लाई रहती है, वो क्या करती है, सैक्रल नर्व सप्लाई रहती है, जो क्या करती है, इसको कंट्रोल के रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा होता है, कंप्रेसर यूरेथ्री मसल्स होती है, कौन सी होती है आपकी, कंप्रेसर यूरेथ्री, जो क्या करती है, यूरिनरी ब्लड या यूरेथ्रा को कंप्रेस करने में हेल्प करती है और यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, स्पिंक्टर को भी कंट्रोल करती है, क्या करती है, स्पिंक्टर को कंट्रोल करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, और ये क्या करती है, यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है। और ये कहाँ पर रहती है, पेरिनियल बॉडी के पास, कहाँ पर सिचुएट रहती है, पेरिनियल बॉडी के पास, फीमेल में कहाँ रहती है, पेरिनियल बॉडी के पास सिचुएटेड रहती है। और इसका जो फंक्शन है, अभी मैंने बताया कि क्या करती है, जो भी आपका यूरेथ्रा उसको क्या करती है, कंप्रेस करती है, जिससे कि इजीली यूरिन को पास आउट कर सकें, और साथ ही साथ क्या करती है, ये कहाँ पर, और ये इसको कौन सी नर्व्स सप्लाई रहती है, सैक्रल नर्व्स सप्लाई रहती है, जो क्या करती है, इसको कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। जो भी ब्रेन से मैसेज आता है उसके द्वारा आता है, सैक्रल नर्व्स के द्वारा मैसेज कन्वे होता है, और ये इसको कंट्रोल करके रखने में हेल्प करती है। तो आज हम लोगों ने पेल्विक फ्लोर की मसल्स, देन हम पेरिनियम मसल्स के बारे में डिस्कशन किया। अगर इन मसल्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।